शातिर तरीके से एक शख्स को गबन के जाल में फंसाया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। दुख सलाह की गोपाल साहब को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस हाइड्रोलिक एक्सवेटर के लिए 13 लाख इस कंपनी को दे रहे हैं वो असल में कंपनी है ही नहीं, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट और आंध्रा बैंक की शाखा के एक मैनेजर के चंगुल में वैसे फंसे कि ना तो गाड़ी मिली और ऊपर से 53 लाख का लोन चढ़ गया। पहले तो लीगल नोटिस हमने बैंक को दिया, मैडम को बोला, टेलीफोनिक भी बात किया, वर्बल भी बात किया, मेरे को बोला कि ठीक है हम भी देखते हैं पर अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं है, तो लास्ट हमने एसपी साहब और एसएलडीसी साहब को लिख के दिया और देखते हैं क्या होता है। बैंक तो बोला कि नहीं अभी तो उसमें मान लो होता है कभी लेट उठ होता है, हो जाएगा यही कर रहा है। अब ये तो पता नहीं, वो तो बैंक का काम है, हमें तो पता नहीं, करना तो उनको ही चाहिए। हम लोग अगर कुछ भी दें या कह दें तो उनका तो पहला फर्ज बनता कि पेमेंट उनका भी ज़्यादा लग रहा है, उनको भी अपना बैंक। गबन के शिकार गोपाल ने अब प्रशासन के साथ कानून का सहारा लिया है। एक साजिश के तहत जिस तरह से पीड़ित को फर्जी कंपनी के लिए लोन पास कराया गया और जिस तरह से बैंक ने बिना वेरिफिकेशन के 13 लाख की डाउन पेमेंट पर 40 लाख के लोन को मंजूरी दे दी, वे भी कई सवालों को जन्म दे रही है। खुद भी डीसी साहब के पास जाएंगे इस मामले को लेके, हम लोग खुद भी जाएंगे और हम लोग खुद भी डीसी साहब से अपील करेंगे कि मामले के तह तक पहुंचे और अगर ऐसा है तो कंपनी से सारा पैसा हम लोग को लौटाएं। फर्जी ऋण स्वीकृति का मामला जो है वो संज्ञान में आया है और ईटीवी के माध्यम से ये खबर मुझे भी पता चली है। इस पर हम लोग वरीय पदाधिकारियों की टीम बना करके इस मामले की पूरी जाँच हम लोग कराएंगे। जो बैंक कर्मियों में और अन्य लोगों की मिली भगत से ऐसी फर्जी कंपनियां बनाकर लोगों को और सरकार को उल्लू बना रहे हैं। कैमरामैन नितेश कुमार के साथ अन्य अमृता, ईटीवी न्यूज, जमशेदपुर। लातेहार मंडल कारा में विचाराधीन